हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मच मोर में। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ एथनिक वेयर। ये कॉम्बिनेशन है साड़ी का, सूट का और ज्वेलरी है। एंड साथ ही मैं कैरी करने वाली हूँ बेसिक लुक, जो आप आने वाले फेस्टिवल में आप किसी भी सूटेबल फेस्टिवल में ओकेजन में कैरी कर सकते हैं। आज के वीडियो के सारे प्रोडक्ट्स हैं मीशो से। मीशो इंडिया का फेवरेट ऐप है, जहाँ पर आपको मिलते हैं वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, वो भी अलग अलग कैटेगरी में। अगर आपने अब तक मीशो इंस्टॉल नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में दी गई मेरी लिंक से मीशो इंस्टॉल कीजिए, तो आपको मिलेगा आपके फर्स्ट ऑर्डर पर ₹100 या फिर फ्लैट 30% का ऑफ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली है ये जॉर्जेट की साड़ी पिंक एंड ग्रे कॉम्बिनेशन में। तो मेजॉरिटी जो है ये बेबी पिंक कलर की है और इसके ऊपर बीच बीच में मोती लगे हुए हैं। जो मोती लगे हुए हैं ये सेमी सर्कल नहीं है, पूरे गोल मोती है और चिपकाए हुए नहीं है, ये पिंड है। यानी दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि इस पर पिन है। और जो बॉर्डर है ये देखिए, बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है बट बहुत ही ब्यूटीफुल एलिगेंट है। और इसके ऊपर जरी का वर्क है, एकदम बेसिक सेम ही डिज़ाइन रिपीट में है, पर ये बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है। वेट वाइज ये क्योंकि जॉर्जेट की है तो मीडियम हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत लाइट वेट भी नहीं है। और इस साड़ी की लेंथ काफ़ी अच्छी है, मतलब आप बहुत अच्छे से इसे पहन सकते हैं। सामने जो प्लीट्स है वो भी काफ़ी अच्छी आएंगी। तो ओवरऑल ये जो साड़ी है, आप किसी भी ओकेजन पे, सिर्फ फेस्टिवल नहीं पर अगर आपकी एनिवर्सरी है या फिर सिमिलर ओकेजन जहाँ पर आप साड़ी पहनना प्रेफर करेंगे, जो ईजी टू वेयर भी हो और बहुत ज़्यादा गॉडी ना हो, तो वहाँ पर आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगी इस साड़ी में। मुझे और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, जो मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पाई हूँ ट्राई ऑन में, वो है इसका ब्लाउज़ पीस। तो ये है इसका ब्लाउज़ पीस, जो कि है ग्रे कलर का और इसके ऊपर पूरा यहाँ पर थ्रेड एम्ब्रॉयडरी वर्क और साथ में मोती है, सीक्विन एंड जरी का भी वर्क है। तो ये देखिए इस तरह से है, ये इस साइड में स्लीव्स दे रखी है और ये जो है ये आप फ्रंट या बैक जिस तरह से आप डिज़ाइन सेलेक्ट करें उस तरह से आप अपने ब्लाउज को ये रख सकते हैं। तो ये जो इतना यहाँ पर वर्क दिया है, जो कि बहुत डेलिकेट और ब्यूटीफुल है, इस वजह से भी मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आई। एंड डेफिनेटली जो ये ब्लाउज़ इसके साथ आया है, मैं इसी का ब्लाउज़, मतलब जो ब्लाउज़ पीस आया है इसी का ब्लाउज़ इसके साथ बनवाने वाली हूँ। नेक्स्ट है ये सिंपल सी पर्ल वाली ज्वेलरी। तो मैंने ऐसी ज्वेलरी सेलेक्ट की है जो आज के कपड़ों में, आज के वीडियो में दिखाए गए कपड़ों के साथ मैं पेयर कर सकूं। तो ये आपको मैं इसी साड़ी के साथ, यानी पिंक वाली के साथ ही पहनकर दिखाऊंगी। बहुत ब्यूटीफुल ये सेट है और बहुत सिंपल सा है। इसमें एकदम आई थिंक वाइट एंड येलो दिखने वाला भी था और ये थोड़ा सा आइवरी टाइप का है। तो मैं इसका कोड आपको दे ही दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इसके साथ बहुत ही सिंपल इयररिंग्स हैं। इयररिंग्स मतलब ऐसे टांगने वाले हैं, ऐसे अटकाने वाले कानों में, जिसमें सिंगल सिंगल पर्ल लगे हैं। तो ये इस तरह की ज्वेलरी है जो आपकी किसी भी जॉर्जेट शिफॉन की साड़ी पर भी अच्छी लगेंगी या फिर सिल्क की जो साड़ियाँ होती है उन पर भी ये बहुत अच्छी लगेगी। सिंपल है, बहुत ही उठकर और ब्यूटिफुल लगेंगी। नेक्स्ट
अगेन जॉर्जेट की साड़ी है और ये है मरून कलर में। ये मैं सोच रही थी लूँ या नहीं लूँ, पर फाइनली मैंने ले ली। इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं, रेड एंड मरून दो अलग अलग शेड्स हैं, तो मैंने मरून वाली ली है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है। इसकी जो बॉर्डर है ये पतली है, ये देखिए, और ऐसी ही बॉर्डर आपको थ्रू आउट मिलेगी, और थ्रू आउट यानी जहाँ जहाँ पर बॉर्डर होती है। और ये देखिए इसका पल्लू है, इसके ऊपर भी पहली वाली साड़ी की तरह ही पूरे मोती लगे हुए हैं, पिन से लगाए गए हैं। पर इनका जो कलर है थोड़ा सा कॉपर येलो टाइप का है। बहुत ही ब्यूटीफुल है साड़ी और इसकी भी लेंथ अच्छी है, बट इससे ज़्यादा लंबी इसके पहले वाला, मामूली सा फ़र्क है दोनों में, पर दोनों साड़ियाँ बहुत लंबी है। ये ऐसी साड़ी है कि आप इसे दिवाली वगैरह तो पहन ही सकते हैं, पर करवा चौथ के लिए भी ये बहुत अच्छी लगेगी। इसका कलर खास तौर से मुझे बहुत पसंद आया। पहले मैं सोच रही थी कि जो मरून आएगा बहुत ज़्यादा डार्क आ जाएगा क्या, पर ऐसा नहीं है, बहुत ही रेडिश मरून है ये, एकदम ब्राइट ऑरेंज टाइप का रेड नहीं है, बहुत ही ब्यूटीफुल ये रेड का शेड है, मतलब मरून है। इसके साथ ऐसा ब्लाउज़ पीस है, तो जो ब्लाउज़ पीस है इसमें बहुत कुछ दे नहीं रखा है, वैसे इसकी साड़ी की प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसके ऊपर देखिए प्लेन कपड़ा है और थोड़ी सी बॉर्डर दी गई है स्लीव्स के लिए सिर्फ, जो इस साड़ी पर है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं इसके साथ जो ब्लाउज़ पीस आया है वो नहीं बनवाऊंगी, क्योंकि सेम रेड रेड है। वैसे ट्राई ऑन में मैंने एक रेड ही ब्लाउज़ पहना है, पर मुझे लगता है कुछ गोल्डन के शेड में होगा तो भी अच्छा लगेगा, या फिर अगर इस वाले पे थोड़ा सा और वर्क होता तो मैं शायद कंसिडर करती। वैसे प्लेन भी अच्छा लगेगा, ऐसी बात नहीं है, ओवरऑल ये साड़ी बहुत ही एलिगेंट है। इसके साथ भी आप जो पहले वाली साड़ी में मैंने ज्वेलरी दिखाई है आप सेम वो पेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो शेड है मोतियों का वो काफ़ी आसपास है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि साड़ी के ऊपर येलोइश पर्ल और एकदम वाइट पर्ल वाली वाली ज्वेलरी पहन ली तो वो बहुत आउट ऑफ प्लेस लगेगा। बाय द वे पहली साड़ी के साथ जो मैंने बैंगल्स पहन रखी है वो भी मैंने पहले आई थिंक मीशो ज्वेलरी हॉल में ही दिखा रखी है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल बैंगल्स है, उसमें छोटे छोटे पर्ल बने हुए हैं। एक और मैंने ज्वेलरी ली है मीशो से जो कि पर्ल वाली ही है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि मैं मोती वाली ही लूँगी, पर ये एथनिक वेयर जो है इनके साथ सूट होते हुए, इनके जो शेड्स हैं इनके साथ सूट होते हुए मुझे यही लगे कि बहुत ही सिंपल सा नेक पीस है। देखिए यहाँ पर कितनी लड़ियाँ हैं मोतियों की, 8 लड़ियाँ हैं मोतियों की, और ये छोटी छोटी गोल्डन कलर की चेन में बंधे हुए हैं मोती। ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल एंड बहुत एलिगेंट है। इसे आप प्लेन कॉटन वगैरह की साड़ी के ऊपर पहनेंगे तब भी अच्छा लगेगा, जॉर्जेट हो, शिफॉन हो, सिल्क हो, सबके साथ ये नेक पीस बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ कोई इयररिंग्स नहीं थे तो मैंने साथ में और दूसरे इयररिंग्स लिए, बट ये सेट में नहीं है, मतलब ये अलग है और ये इयररिंग्स अलग है। तो ये इयररिंग्स भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैं आपको पास से भी दिखा दूँगी। इसके ऊपर भी अगेन मोती है और छोटा सा बीच में स्टोन दिया गया है, तो ये आप एथनिक किसी भी टाइप के एथनिक वेयर के साथ पहन सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। फिर साड़ी का मटेरियल कोई भी हो, पर जो भी आपका ट्रेडिशनल वेयर है उसके साथ ही बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है सूट का सेट बॉटल ग्रीन एंड मस्टर्ड येलो के कॉम्बिनेशन में। ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, अगर वो साड़ी भी क्यों ना हो। तो ये देखिए इसके साथ पैरेलल यानी थोड़ी सी ब्रॉड वाली पैंट्स है, कॉटन की है बाय द वे, ये रेयन का सूट नहीं है, बॉटल ग्रीन है, उसके ऊपर गोल्डन कलर की जिस लाइनें बनी हुई, जैसे हम बचपन में पेंटिंग में बारिश बनाते थे वैसे इसके ऊपर गोल्डन कलर की डिज़ाइन बनी है। तो ये इस तरह की इसकी पैंट्स है, और इसके साथ जो टॉप दिया गया है वो है येलो कलर में,
ये देखिए ऐसा बहुत ही ब्यूटीफुल है। स्लीव्स भी यहाँ पर थोड़ी सी डिज़ाइन दे रखी है एंड केवल ऊपर का जो पहला बटन है वही ओपन होता है, बाकी के केवल शो के लिए है। स्ट्रेट कुर्ती है एंड इनके साथ, इन दोनों के साथ दिया गया है ये दुपट्टा जो कि है शिफॉन का। बहुत ही सुंदर ये दुपट्टा है और इसमें एंड्स पे लगी हुई है मोती की लेस, तो ये बहुत ही प्रिटी मुझे लगा। स्पेशली जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, ये मतलब किसी भी फेस्टिवल वगैरह या फिर ओकेजन, राखी वगैरह हो तो भी आप पहन सकते हैं। इस साल की तो चली गई, कोई बात नहीं, तो इस तरह के फेस्टिवल्स पे आप इसे पहन सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा। इसके साथ भी आप ज्वेलरी जो है लाइट रखें, कुछ भी नाजुक सा आप पहन सकते हैं गले में, और या फिर बड़े बड़े ईयरिंग्स पहन सकते हैं, फिर गले में पहनना स्किप कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है ये पर्पल कलर का सूट सेट। इसका मटेरियल रेयन है पर बहुत ही ज़्यादा मतलब पता नहीं है रेयन, हाँ रेयन ही लग रहा है मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा लूज टाइप का रेयन होता है वैसा नहीं है ये। इसकी पैंट्स है फ्रंट में बेल्ट, बैक में इलास्टिक है। मैंने स्मॉल साइज़ का ये ड्रेस मंगाया है, उसके पहले वाला भी, बट मैंने नोटिस किया कि स्मॉल साइज़ के हिसाब से इसका जो वेस्ट है पैंट का, ये पहनने के लिए थोड़ा नैरो हो जाता है। मतलब इतना अगर इन्होंने दिया है तो फिर फ्रंट में भी या तो इलास्टिक देना चाहिए था या थोड़ा सा ब्रॉड देना चाहिए था। तो हो सकता है कि आपको आपके साइज़ से एक साइज़ बड़ा ये परचेज़ करना पड़े। इसके साथ देखिए, पहले मैं आपको टॉप दिखा देती हूँ। ए लाइन की ये कुर्ती है, इस तरह से इसके ऊपर प्रिंट दी गई है, ऊपर एक बटन है, ए लाइन की कुर्ती है। फ्रंट में पूरी प्रिंट है और मैंने इसे अभी वॉश तो नहीं किया, पर ऐसे ऐसे करके मैंने देखा तो प्रिंट नहीं निकल रही, वरना जिनकी प्रिंट्स निकलती है वो यूँ ऐसे घिस लेने के बाद भी निकल जाती है, जो कि इसकी नहीं निकल रही है। और ये बैक में ऐसा है, प्लेन है बैक में, सिर्फ फ्रंट में ये है प्रिंट है। ये इसके साथ का दुपट्टा है, तो ये देखिए यहाँ बैक से प्लेन है एंड फ्रंट से इस तरह से इसके ऊपर प्रिंट है। तो ये जो विड्थ है इसकी नैरो है, ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, लंबाई में ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की चुन्नियाँ जो थोड़ी सी मोटी होती है, जिन्हें हम गले पे चिपका कर नहीं ले सकते हैं, तो वो अगर नैरो भी हुई तो ईजी टू कैरी हो जाती है। मतलब हम इन्हें नॉर्मली शोल्डर पे लेते हैं, तो शोल्डर पे लेने के बाद अगर यहाँ तक हो तो अच्छी तो लगती है, बट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट टू कैरी होती है। अगर आपको दुपट्टा साइड पे भी लेना है, ईजी टू कैरी भी चाहिए, तो उसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ अगर आप ज्वेलरी की बात करें, तो मेरे ख्याल से कान में बड़े वाले इयररिंग्स पहनेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में भी हर बार की तरह आप मुझे बताएं कि सबसे अच्छा सेट या फिर ज्वेलरी आपको कौन सी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।